हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप अपने बालों में मेहंदी के लाल रंग से परेशान है और मेहंदी लगाते ही आपके बालों में डार्क ब्राउन की जगह ब्लैक की जगह रेड कलर आ जाता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। फ्रेंड्स, मैं आपको सिंपल तरीका बताऊँगी कि आप अपने बालों को कैसे लाल रंग से बचा सकते हैं और डार्क ब्राउन गहरा रंग ला सकते हैं अपने बालों को। हमें करना क्या है कि हमें एक लोहे का बर्तन लेना है और हमें वो मेहंदी लेनी है जो हमारे बालों को सूट करती हो। आप कोई भी मेहंदी ले सकते हो जो कि आपके बालों को सूट करती हो। और हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे तरीके से हिलाते हुए इसको मिक्स कर लेना है। इसके अच्छी सा एक बिल्कुल पतला सा पेस्ट बना के बना लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं धीरे धीरे इसमें पानी मिलाती जा रही हूँ और इसको भी मिलाती जा रही हूँ। ये देखिए, हमें इसको अच्छे तरीके से मिलाना है ताकि इसमें लम्स लम्स बने और इसको ओवरनाइट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। ये देखिए फ्रेंड, ओवरनाइट के छोड़ने के बाद इसमें एक ब्लैक कलर आ गया है और अब हम इसको अच्छे तरीके से उतार लेंगे, इसको इकट्ठा कर लेंगे और इसको मिला लेंगे आपस में अच्छे तरीके से ताकि ब्लैक कलर इसमें हमारी मेहंदी में आ जाए। और अब हम करना क्या है कि हमें एक खाली बाउल लेना है और उसमें हमें डालना है इंडिगो पाउडर। जी हाँ फ्रेंड्स, इंडिगो पाउडर। इंडिगो पाउडर भी हमारे बालों को काला करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। हमें करना क्या है कि हमें एक बाउल में इंडिगो पाउडर ले लेना है कम से 3 से 4 चम्मच के करीब। जितनी आपने मेहंदी ली है उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा नीलगिरी का पाउडर कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब मैं इस नीलगिरी पाउडर को इसका भी एक पेस्ट बनाऊंगी। पेस्ट बनाते समय फ्रेंड्स, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि पेस्ट बनाते समय आपको इसमें ठंडा पानी ऐड नहीं करना है। इसमें आपको हल्का गुनगुना पानी ऐड करना है ताकि इसको अच्छे तरीके से मिला सके और इसमें लम्स ना पड़े। अगर आप इसमें ठंडा पानी डालोगे तो ये इसमें थोड़ी गांठें पड़ सकती है, इसलिए आपको हल्का गुनगुना पानी ही इसमें ऐड करना है और इसको अच्छे तरीके से हिलाते हुए आपको एक महीन सा पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाते समय फ्रेंड्स, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इसका पेस्ट बिल्कुल पतला ही बनाना है क्योंकि ये नीलगिरी का पाउडर अपने अंदर पानी को सोख लेता है तो ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखें कि आप इसको थोड़ा सा पतला ही बनाए। और 10 मिनट के बाद इसको रेस्ट करने के बाद हमने जो वो मेहंदी का घोल तैयार किया था वो हमें इसमें ऐड कर लेना है और इन दोनों को ही अच्छे तरीके से मिला लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इनको दोनों को ही अच्छे तरीके से आपस में मिला लूँगी और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी। 10 मिनट रेस्ट करने के बाद आपको अपने साफ़ सुथरे बालों पे इसको अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद आपको इसको 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे छोड़ देना और साफ नॉर्मल पानी से इसको धो लेना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ हफ्ते में एक बार ज़रूर करनी है। अगर आप इसको कुछ महीने लगातार करते हो तो आप देखोगे कुछ ही महीनों में आपके बालों को कुदरती रूप से काला करते हुए देख पाओगे और जो हमारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं वो धीरे 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 अपना कलर ब्लैक करते हुए देख पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स।